तो दोस्तों आखिरकार हमारे सभी बत्तख के बच्चे टब के अंदर चले गए हैं और देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं पानी के अंदर, क्योंकि इनके हिसाब से ये पानी काफ़ी गहरा है और बत्तख के बच्चे पानी के अंदर आप देख रहे हैं कि तैर रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा माइक है, चलिए मैं आपको इसको हटा कर दिखाता हूँ। चलिए इसको अभी मैं अपने मोबाइल के साथ अटैच करने जा रहा हूँ और अगली जो आप आवाज़ सुनेंगे वो बोया WM1 माइक के साथ सुनेंगे। तो यार हमने इतनी मेहनत से इनके लिए स्विमिंग पूल बनाया था, लेकिन ये बत्तख के बच्चे उसी में नहा रहे हैं जिसमें कल नहा रहे थे। एक बच्चा चला गया, देखिए ये एक बच्चा चला गया है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक और व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग और दिखाते हैं कि कल जो हम अपने चूज़े और बत्तख के बच्चे लेकर आए थे तो उनके हाल कैसे हैं और क्या कर रहे हैं इस टाइम वो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं खोलूँगा अपने कबूतरों को, क्योंकि बत्तख के बच्चे या मैंने मुर्गी के चूज़े खोल दिए तो फिर वो कबूतरों को दाना नहीं खाने देते। तो मैं अपने कबूतरों को दाना खिलाने के बाद और पानी पिलाने के बाद ही आज अपने बत्तख और चूज़ों को खोलूँगा। तब हम एक काम करते हैं, हम ये टब लेकर के आए हैं और इस टब को आज पूरा पानी से भरेंगे जिसमें बत्तख के बच्चे हमारे आसानी से नहा सकते हैं और कबूतरों के लिए भी पानी भर देते हैं बर्तनों में। तो ये आज बड़ा टब लेकर आए, इसमें हमारे बत्तख के बच्चे आराम के साथ नहाएंगे, काफ़ी बड़ा टब है। तो दोस्तों हम अपने इस टब को पूरा पानी के साथ भर देते हैं, क्योंकि जब हम अपने बत्तख के बच्चे खोलेंगे तो आसानी के साथ इस टब के अंदर नहा सकते हैं। तो दोस्तों अब अपने कबूतरों को हम दाना डाल देते हैं ताकि आराम से पहले दाना खा लें। तो दोस्तों हमने अपने कबूतरों को दाना डाल दिया है, अब आराम से ये अपना खाना खा सकते हैं और उसके बाद ही हम अपने चूज़ों को और बत्तखों को खोलेंगे ताकि हमारे कबूतरों को बाद में डिस्टर्ब नहीं करें। इधर हमारा टब भी लगभग भर चुका है और कबूतरों के पानी के बर्तन भी हमने भर दिए और ये बत्तखों के लिए हमारा टब पूरा भर चुका है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि हमारे बत्तख के बच्चे इसमें किस तरीके से तैरेंगे, उनके लिए हमने काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल तैयार कर रखा है। क्यों हमारे बत्तख के बच्चे तैरेंगे इसमें? हाँ। तो हमारे बत्तख के बच्चे आज देखते हैं इसमें तैरते हैं या नहीं तैरते। तो अब हम अपने छोटे वाले चूज़ों को खोल देते हैं पहले ताकि वो भी दाना खा लें। तो हमारी मिनी फौज निकल चुकी है दाना खाने के लिए और कल ये इस एक चूज़े का हमारे पैर में चोट लग गई थी तो इसको हम छोड़ देते हैं दाना खा लेगा, इसके कल टांग में चोट लग चुकी है। जब तक ये हमारे छोटे वाले चूज़े दाना खा लेंगे और ये कबूतर, उसके बाद ही हम अपने बत्तखों को और मुर्गी के बड़े चूज़ों को खोलेंगे। तो दोस्तों कबूतर हमारे अपना दाना खा चुके हैं और इधर चूज़ों ने भी दाना खा लिया है। तो अब आ रही है बत्तख के बच्चों को और अपने जो हमारे मुर्गी के बड़े वाले चूज़े हैं उनको खोलने की। रात हमने इन लोगों को सबको एक साथ में बंद किया था, तो आप देख सकते हैं कि बत्तख के बच्चे भी इसमें हैं और मुर्गी के चूज़े भी एक साथ हैं। बत्तख के बच्चे बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं, हाथ में नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो इनको हम देखते हैं टब में छोड़ के। तो ये देखिए ये हमारे मुर्गी के चूज़े और बत्तख आ गए हैं, अब इनको हमने छोड़ दिया है बड़े वाले टब में। तो ये देखिए ये इनके लिए स्विमिंग पूल से कम नहीं है, देखते हैं ये इसके अंदर खुद से जाएंगे या नहीं जाएंगे। अभी ये आन के सब यहाँ घुस गए, लेकिन टब के अंदर चढ़ना इनके लिए मुश्किल है क्योंकि ये भी छोटे हैं, लेकिन देखते हैं कि इसके अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो दोस्तों हमारे ये बत्तख के बच्चे इसी में नहा रहे हैं कल जिस बर्तन में नहा रहे थे, और इस बड़े वाले टब के अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा ऊँचा है तो इसके अंदर इनसे चढ़ा ही नहीं जा रहा है पानी में, और अभी इन्हें पता भी नहीं है कि इस बर्तन के अंदर पानी है और इसके अंदर ये चढ़ भी नहीं सकते क्योंकि इसकी ऊँचाई इनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ऊँची है, तो ये उसी में ही जा रहे हैं। तो दोस्तों अब अपने चूज़ों को भी डाइट दे देते हैं। तो दोस्तों हमने अपने चूज़ों को भी डाइट डाल दी है और अब ये भी अपने आराम से खा रहे हैं। तो कबूतर हमारे पहले खा चुके थे वरना ये उन्हें खाने नहीं देते, तो अब ये भी आराम से अपना खाना खा रहे हैं। तो यार हमने इतनी मेहनत से इनके लिए स्विमिंग पूल बनाया था, लेकिन ये बत्तख के बच्चे उसी में नहा रहे हैं जिसमें कल नहा रहे थे और इसके अंदर कोई जा ही नहीं पा रहा है। तो दोस्तों अभी हमने तसला अपना चेंज कर दिया पानी का और उसकी जगह एक छोटा सा तसला रखा है, तो देखते हैं कि इसके अंदर जाते हैं नहाने के लिए नहीं जाते हैं क्योंकि ये साइज़ में उससे छोटा है। तो देखो दोस्तों बत्तख के बच्चे इसके अंदर अभी पानी पी रहे हैं और इसके अंदर शायद ये जा सकते हैं नहाने के लिए क्योंकि ये थोड़ा नीचा है, तो अभी देखेंगे कि इसके अंदर ही जाएंगे या नहीं जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारे दो कबूतर बहुत देर से लड़े जा रहे हैं और एक ही खाने में दोनों घुस गए और दोनों ये नर हैं,
ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये है और एक ये है, दोनों के दोनों बहुत देर से लड़ रहे हैं। और अब इनकी सजा ये है कि मैं कुछ देर के लिए एक कबूतर को अपने बंद कर देता हूँ, जिससे कि इनके बीच में लड़ाई नहीं होगी। वरना मैंने सब कुछ करके देख लिया, बहुत देर से इन्हें हटा के एक दूसरे से अलग कर दिया, लेकिन ये सुबह से लड़ने में ही व्यस्त हैं और एक दूसरे को मार मार के ज़ख्मी कर देंगे। तो मैंने अब इसका सोल्यूशन यही ढूंढा है कि एक कबूतर को बंद कर दिया। हमारी सभी डक्स यहाँ पानी में नहाने में व्यस्त हैं और इनके लिए हमने ये अभी तसला रखा था पानी का भर के, तो इसको देख तो रहे हैं ये पानी में, लेकिन उस वाले तसले में इनकी जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, जबकि उसमें बहुत सारा पानी है, लेकिन बस इनको इसी में नहाने में मज़ा आ रहा है। तो देखते हैं ये उसके अंदर जाएंगे, क्योंकि आप एक बच्चा चला गया है, देखिए ये एक बच्चा चला गया है, कितने मज़े से नहा रहा है उसके अंदर, तो ये आप देखिए। तो दोस्तों, आखिरकार हमारे सभी बत्तख के बच्चे टब के अंदर चले गए हैं और देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं पानी के अंदर, क्योंकि इनके हिसाब से ये पानी काफ़ी गहरा है और बत्तख के बच्चे पानी के अंदर आप देख रहे हैं कि तैर रहे हैं। बहुत टाइम लगाया इन्होंने, लेकिन आखिरकार सबके सब बच्चे टब के अंदर चले गए और सभी एक साथ इसके अंदर देखिए कितनी मस्ती के साथ नहा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों की मेरे पास ये शिकायतें आ रही थी कि मेरी वीडियो में ऑडियो क्वालिटी आप लोगों को साफ सुनाई नहीं देती है और आप माइक का यूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास माइक नहीं था, मेरे पास बोया का M1 माइक था जो कि मैंने काफ़ी पहले परचेज़ किया था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है कि इसका जो वायर होता है इतना ज़्यादा लंबा होता है और ये आपस में उलझ जाता है, तो इसके साथ व्लॉगिंग करना सही नहीं था, क्योंकि मैं अगर यहाँ व्लॉग बनाता तो यहाँ पूरे थंब में तार उलझ जाता और मैं सही से नहीं कर पाता, इसीलिए मैं माइक का यूज़ नहीं कर रहा था। तो इसीलिए मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट पे बोया M1 माइक का, जो कि मेरा आज आ गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देखिए, फ्लिपकार्ट से हमारे पास आया है बोया M1 माइक और इसको मैंने ओपन कर लिया था, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसा माइक है, चलिए मैं आपको इसको हटाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें जो कि हमें मिलती हैं बोया M1 माइक के साथ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है मेन माइक जिसका आप यूज़ करते हैं, और इसके साथ आपको एक वायर मिलती है जो कि आपकी कैमरे के साथ काम करती है, DSLR, या आप GoPro के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इसका माउंट है जो इसके साथ आता है, इसके साथ एक और वायर आता है जो आप मोबाइल के साथ यूज़ कर सकते हैं, और ये आती है हवा को रोकने के लिए, जब आप बोलते हैं तो जो हवा आती है तो ये उसको कम कर देती है। तो अब मैं दिखाता हूँ इसको कैसे सेट करते हैं, क्योंकि अगर आप भी व्लॉग बनाते हैं या व्लॉगिंग करते हैं और माइक का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप बोया M1 माइक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर हम लगा देते हैं और ये वाली पिन अगर आप एंड्रॉयड का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें लगा दिए, और बाकी ये आपके एंड्रॉयड मोबाइल में किसी में भी लग जाएगी। और ये वाली जो वायर है इसको आप कैमरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। चलिए, इसको अभी मैं अपने मोबाइल के साथ अटैच करने जा रहा हूँ और अगली जो आप आवाज़ सुनेंगे वो बोया M1 माइक के साथ सुनेंगे। तो आप बताना आपको दोनों में से कौन सी वायर अच्छी लगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इसके साथ जो मेरी आवाज़ आएगी, ऑडियो क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर होकर सुनाई देगी। तो दोस्तों, अब जो आप ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि बोया M1 माइक के द्वारा सुन रहे हैं, और आप बताइए कि आपको इस आवाज़ में और उस आवाज़ में कोई फ़र्क दिखता है ऑडियो क्वालिटी में। तो बोया M1 माइक लगाने के बाद आपको मेरी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बेहतर सुनाई दे रही होगी पहले से, और मुझे भी काफ़ी आसानी हो रही है व्लॉगिंग करने में, क्योंकि बोया M1 माइक के साथ लंबी वायर के साथ में व्लॉगिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उसका वायर सब में फैला रहता है, लेकिन इसके साथ व्लॉगिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो दोस्तों, दोपहर के टाइम में मैंने अपने चूज़े बंद कर दिए थे और कबूतरों को भी बंद कर दिया था, क्योंकि दोपहर में खोलना सही नहीं रहता है, तो अभी शाम के टाइम मैंने खोला है, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो चलिए, मैं दिखाता हूँ अपने कबूतरों का और चूज़ों का क्या हाल है और बत्तख के बच्चे हमारे कैसे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे कबूतर जो हैं काफ़ी आराम के साथ बैठे हुए हैं, और मैंने कबूतरों को काफ़ी पहले खोल दिया था बनिस्बत चूज़ों के, क्योंकि ये इनको दाना नहीं खाने देते हैं, और मैंने अभी बत्तखों को और चूज़ों को भी खोला है तो ये लोग दाना खा रहे हैं, लेकिन इनको मैंने पहले ही खोल दिया था तो ये अपने खा पी के निबट चुके हैं, वरना ये इनको दाना नहीं खाने देते। तो अभी बत्तख के बच्चे पानी में थे, अभी ये भी दाना खाएंगे और चूज़े भी दाना खा रहे हैं, तो लगभग सभी हमारे परिंदे जो हैं अपने दाना खा के निबट चुके हैं और काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं।
और छोटे वाले चूज़े भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि बड़े चूज़े कल इनको मार रहे थे, लेकिन अब ये लोग सब साथ में एडजस्ट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं सब साथ में आराम से अपने दाना खा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे को परेशान नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इन कबूतरों को लड़ते हुए आज पूरा दिन हो गया है। देख रहे हैं आप दोनों के दोनों कबूतर किस तरीके से लड़ रहे हैं एक दूसरे के खाने में जाने के बाद। और दोपहर मैंने इनको बंद कर दिया था इसी वजह से कि लड़ाई कर रहे थे, लेकिन निकलने के बाद इन्होंने फिर से लड़ना शुरू कर दिया है। और तो चलिए, अभी इन दो को मैंने ऊपर बिठा दिया है और जो दूसरा कबूतर लड़ रहा था वो नीचे है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग। आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें। तो जल्दी मिलेंगे किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें आप दी इजाज़त और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।